हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होगे दोस्तों। तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे एक घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है मार्च के बाद, मार्च यानी कि मार्च में। तो मैं उस जगह पे हूँ इस वक्त। तो अभी जो वाल जो लगती है, दीवारें जो लगती है, दो दीवारें लगनी है, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। दीवारों का काम चल रहा है और मेरे पास ठेकेदार रामलाल भी है, बहुत पुराना आदमी है। और एक और ठेकेदार ले आया इसने, इसका क्या नाम है? रूपलाल ठेकेदार। दो ठेकेदार है, काम चला हुआ अभी। तो अभी फाउंडेशन ही लगाई है, इसके बाद जो ये स्लोप में दीवार लगेगी विद सीमेंट के साथ। कुछ एक पत्थर भी ढो रहे हैं लेबर वाले। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, प्लीज़ बने रहे और देखे मेरे ब्लॉग को। जो नया आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन बटन प्रेस करना भी ना भूले। कमेंट्स एंड शेयर शुड बी मस्ट आल्सो। ओके दोस्तों, मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से आपको। दोस्तों, नज़ारा कुछ इस तरह से है। ये है रामलाल ठेकेदार। ये फाउंडेशन 2 फुट 2.5 फुट नीचे डाली है क्योंकि खेत सीधा है, यहाँ गिरने का कोई स्कोप नहीं है दीवार को, तो इसलिए 2 2.5 फुट हमने गहरी की है ये दीवार। अब इसके बाद जो है सीमेंट से लगेगी, कुछ इस तरह से है। अभी यहाँ पे हो रहा है, अभी तो पत्थर यहाँ पे ढूंढ रहा है, उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड सीधा होगा लेबल पे और पीछे वाले। हाँ हाँ ओहो, कमी ये देख लो, ये भी ठेकेदार है। लस्सी लाया मेरे लिए, देख लो कितनी लस्सी लाया। आ थी नहीं लस्सी, लस्सी थी नहीं इतनी है। वहाँ पीछे रखो उसमें जो रोटी का हुआ है, मैंने खाना भी ले रखा है। तो ये आया है, तू ले कितने गया कट्टे, गिन भी रहा पहले? दो? हाँ गिन। तो इस तरह से यहाँ पे बन रहा है। अभी इसको समतल करना है, सीधा करना है, सारा मलुआ बाहर निकालना है। यहाँ भी दीवार लगेगी। ये जो अरे ले आ रहे, चलो ऊपर क्यों रख रहे छोटे पत्थर, जो है छोटे पत्थर। यहाँ पे मुझे जो है पेड़ भी उखाड़ने पड़े, तकरीबन 10 12 पेड़ उखाड़ने पड़े। जहाँ पे मेरा जो मकान है जला, जो वहाँ पे जहाँ आग लगी, वहाँ पे ठंड के कारण मैं नहीं बना पा रहा हूँ। वहाँ ठंड सर्दियों में बहुत ज़्यादा होती है, धूप लगती नहीं है। तो ये सनी साइड है, यहाँ पे धूप लगती है। ये भी ये है, देखो ये है रूपलाल। नजर तो कुछ नहीं आ रहा मेरे को धूप की वजह। ये है रूप कुमार है कि क्या नाम है? रूपलाल रूपलाल। ये रूपलाल है, ये जो छोटा सा, ये ज्वाई है रूपलाल का, ज्वाई है। तो क्यों नहीं बोलना ऐसा भाई, जब है तो है, बोलना क्या छोटा है। बिल्कुल नॉर्मल। नहीं नहीं ये भी देख लो, ये सब सेब तोड़ने वाला है मेरे पास। इन्होंने सेब भी तोड़े थे मेरे सारे। ये पीछे वाली, ये तेने तोड़े थे सेब? तू भी थी सेब तोड़ने का? तू तो मेरे को पता नहीं थी। रूमा कहाँ आज गई हुई? कहाँ गया आज? अच्छा ऊपर ऊपर घास काटने वाला राजेश केला ही है किया? हाँ, एक ऊपर घास काटने है वहां पे जहाँ पे मेरा बगीचा है। तो कुछ इस तरह से नजारा था। बाकी मैं आपको सामने दूर का क्वेश्चन कर, यहाँ पे सड़क भी नजदीक है। ये कुछ इस तरह से नजारा है चारों तरफ का। अभी मेरे इस बगीचे का काम खड़ा है, अगर घटना नहीं घटती तो शायद मेरा बगीचा साफ हो जाता और इसमें मटर भी लगे होते। इस बार मटर मटर क्यों नहीं बीजे तुमने? इस बारी मटर बीजना होगा। अब क्या बीजना है? मटर तो कब के लग जाना चाहिए? तो बोल रहा था ऐसा कि यहाँ चलने फिरने से खराब हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लॉग था मेरा छोटा सा। प्लीज आप चैनल को जो नए आते हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए।
इसी के साथ करता हूँ क्लोज ये था काम आज का। हर एक ब्लॉग में बनाता रहूँगा जैसे जैसे काम होगा, मार्च के बाद कंटिन्यूटी काम होगा। तो ये था, करते हैं क्लोज दोस्तों, मिलेंगे आपको इसी तरह से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट ब्लॉग।